अभी मैं जा रही हूँ विजय विलास पैलेस, जो कि बहुत खूबसूरत है। यह है विजय विलास पैलेस का वे, और मांडवी बीच पे तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। और यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहते हैं कि इस पैलेस का निर्माण 1920 में किया गया था। विजय विलास हेरिटेज रिजॉर्ट से आगे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारी गाड़ी की डिटेल है। बहुत सुंदर लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि हमें बहुत ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर हमें ऐसे लग रहा है कि जंगलों में कहीं घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे विपश्यना सेंटर वगैरह होता है, जैसे ध्यान होते हैं, वैसे भी आ रहा है कि कहीं जा रहे हैं। अच्छा वो अच्छा टांगा घोड़ा गाड़ी, हाँ घोड़ा गाड़ी बोलते टांगा ना, श्यामजी कृष्णा। अभी मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पार्किंग का बोर्ड दिखा और मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया, और सारा सामान भी मैं ले चुकी थी अपना। और फिर बाद में एक गार्ड आते और वो कहते हैं कि मैम आगे भी पार्किंग है, तो आप वहीं पे गाड़ी लगा दीजिए। तो ये सही है, वरना बहुत आगे पैदल ही जाना पड़ता। तो अच्छा ही है, और वहाँ पर जाकर मैं पार्क करूँगी अभी। तो आप देख सकते हो यार क्या सुंदर है। एक मिनट रुको, हे एंट्री इतना खूबसूरत है ना, ऐसे लग रहा है कि मैं वो राजा महाराजा वाली जो फीलिंग है ना, वो आ रही है कि वो लोग भी कुछ ऐसे ही आते होंगे बग्गी में, है ना, अपने घोड़ सवारी पे कुछ इस तरह टुकड़ुक टुकड़ुक करके, और फिर ये गांव के लोग जो वेलकम करते होंगे। ये है शायद पार्किंग यहाँ का। तो यहाँ पे हम करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क ठंडी ठंडी छाव में, गाड़ी को भी धूप ना लगे भाई, वो ठंडी रहे। तो अभी मैं उतर के जाऊंगी। आओ लगी यार जोर से, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट नहीं मुझे, शायद इतना नहीं होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, है तो है, क्या करें, घूमने तो आए हैं ना। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गई है, और अभी मैं जाऊंगी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। कैसे देखो अभी क्या किस्सा हुआ यार, आज का दिन क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी देखो गाड़ी देखो कितना नज़दीक आ गई थी। तो एक तो एक पत्थर तो नहीं टूटता, ये काफ़ी पुराना पत्थर है भाई, इसको टूटना होता तो पहले टूट जाता, गाड़ी ही टूट जाती भाई। अभी तो ती है देखो, रेत पे मेरे को चलना पड़ रहा है। ये बीच कभी बीच एरिया कर हुआ करता था क्या, इतना मिट्टी इसमें। देखो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है दूर से। ये देखो मेरे लिए एक नया रास्ता बना हुआ है, तो मैं इसी रास्ते पे चल रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, खास मेरे लिए रास्ता। ओह माय गॉड, और ये लेके जा रहा है मुझे विजय विलास पैलेस की तरफ। तो मैं ऐसे चले जा रही हूँ, भी मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए। ये है टिकट विंडो, कितना है, 2140। तो अभी मैं करूँगी यहाँ पे स्कैन 140 रुपीज का। तो अभी मैंने अपना एंट्री टिकट निकाल लिया है। मेरे एंट्री टिकट के साथ साथ मुझे अपने कैमरे का भी पेमेंट करना पड़ा, जो कि 200 रुपीज़। अगर आपको फोटोशूट वगैरह करना है तो उसके लिए अलग से 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और ये पैलेस की तरफ जाने का एरिया, तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं मॉर्निंग में ही। ये तो इतना ये नहीं लग, अभी आ गए हम लोग, सामने ही है, तो कुछ ज़्यादा चलने की ज़रूरत ही नहीं है। वरना क्या होता था, पैलेस या फिर फोर्ट अगर जाना है तो बहुत ऐसे चलना पड़ता है, तो हमारी आधी ताकतें पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पीछे अंकल गाना गा रहे। आई थिंक अंकल काफ़ी खुश दिख रहे मुझे। ये देखो आ गए हम विजय विलास पैलेस।
मिट्टी में ना चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हम पूरे पैलेस का आउटर व्यू कर रहे हैं तो चारों ओर से देख सकते हैं कि ये पैलेस एक्चुअली दिखता कैसा था। तो मैं अभी एक कंप्लीट राउंड ले लूंगी। तो ये वही भी हुए जहां पे हम दिल दे चुके सनम का जो गाना है तड़प तड़प के, तो उसका शूट हुआ था जब वो सलमान खान जा रहा था, उसे वो वादा लिया गया था, तो वो वहां पे ऐश्वर्या राय खड़ी रहती है, उसको स्टैचू दिया जाता है तो वो वैसे ही खड़ी रहती है। यहाँ से सलमान खान ऐसे चले जाते हैं उधर तक। तो अगर आप इसको थोड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ऐसे ऊपर से भी आपको वो व्यू दिखाऊंगी ताकि वो बहुत क्लियर नजर। पहले जमाने में कितना अच्छा होता था ना, मतलब अगर जो राजा है महाराजा है वो दुनिया छोड़ जाते थे तो उनकी याद में कुछ स्मारक बनाया जाता है जिसको लोग काफी पसंद भी करते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि काइंडली उस टाइम का मिरर हुआ विलास पहले शाम को आया विजय राजी मदन सिंह जी प्रागपल जी इधर सब की पूज राज कर दिया इधर भी आम आगे तो लास्ट को राजा गुजर गया बाद महाराणी साहब कुछ चलाते हैं तो भी है वो जी जी पहली मंजिल घूमने का रखा है दूसरी मंजिल में रहते हैं इसलिए बंद रहते हैं तीजे माले पे जा सकते हैं तो टेरेस पर भी अच्छा तो अभी सेकंड फ्लोर पे वो रहते हैं चार महीने और एक कॉइन इधर छोटी बैठक इधर बड़ी बैठक इसमें तीन पिक्चर बनी थी कमांडो लगा दिल दे चुके सनम गुजराती पिक्चर खींचनी जिसे किया समर पैलेस के लिए बुलाया राजधानी को चला ओके की माता की लड़की पूजा करते देश देवी आशा पूरा ये कुलदेवी होती है जाड़े जब आठम के अवल का अच्छा ये महालक्ष्मी का इटालिक मार्क है और कितने साल पुराने उसमें 100 साल पुराने ता शिकार के लिए शिकार ये भी है ये रियल चीता है इधर ये क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ आ रहे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए।
मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं उनके साथ अपनी एक जर्नी फिर से अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ। आपको कैसा लगा विजय विलास पैलेस? आप पहली बार आए क्या यहाँ पे? मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ। हम रियल में नहीं, ये बाहरी अगर सलमान खान और रश्मि, ये वहां से वो जो गाना उनका बना है, पूरी मूवी की शूटिंग गई हुई है। वापस दिया गया था अपन यहां ऊपर इसको पर लग रहा है हमारी शूटिंग है, ये आपकी शूटिंग हो रही है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज वहाँ का जो रास्ता था उतरने का रास्ता था, तो मैंने न्यूली ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बट जो रिस्पांस मुझे लोगों से मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मुझे पहले ही कर देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर मुझे अभी मौका मिला है तो फिर मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने व्यूवर्स को मिलकर आई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग मुझे मिला उनके साथ, तो काफ़ी वहाँ पे भीड़ भी हो गई थी तो मैं कुछ कैप्चर कर पाई हूँ। आज तो मेरा मॉर्निंग में ही दिन बन गया, तो अभी चलते हैं कि अभी मैं जा रही हूँ, अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अभी ये खुला है या नहीं, तो बंद है। शिट मैन, यहाँ पे आकर मुझे अपने कॉलेज की कैंटीन याद आ गई, उन दिनों में भी हम लोग काफी एंजॉय करते थे, आज विजय विलास पैलेस की जो कैंटीन है उसमें आए नाश्ता करने के लिए। ये मैगी यहाँ का, अरे यार मैगी हर जगह पे मिल जाता है, तो भी यहाँ का मैगी मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैगी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए पर क्या होता है ना, मजबूरी भी हो जाती है, तो हमने ऑर्डर कर दिया है साउथ इंडियन फूड और मैगी। हमें पता है कि मैगी का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ के साथ हो जाता है, तो मैगी मैंने ऑर्डर करा है, अभी देखती हूँ इसका टेस्ट कैसे लगता है। ए, आ गया मेरा सेकंड डिश, मेंदू वड़ा। इसका टेस्ट करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो स्पून है क्या, क्या है, पूरा होल्ड हो रहा है। Thank you.
ये भी बहुत टेस्टी है। खाया जा सकता है, अगर कोई भी आता है तो इस कैंटीन में खाना ट्राई कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा है।